दोस्तों ये जो वीडियो है वो बड़ी कैजुअल सी वीडियो होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी थी, लोगों तक अवेयरनेस पहुँचानी थी, तो हो सके तो ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना ताकि लोगों तक पहुँचे बात, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पीएम केयर फंड में अपना जो अमाउंट है वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है वो उनको ज़रूर से भेज देना ताकि जो भी अमाउंट जा रहा है वो सही जगह पर जाए, गलत जगह पर ना जाए। मैंने ऑलरेडी COVID-19 से रिलेटेड एक फ्रॉड की वीडियो बना रखी, वो मैं आई बटन पर दे दूंगा, वो जा करके ज़रूर से देख लेना क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर देख लेना क्योंकि इस समय ना कोरोना वायरस जो फैला है वो तो फैला ही है, लेकिन उससे रिलेटेड जितने फ्रॉड्स हो रहे हैं, मतलब आई डोंट नो ऐसे लोग कहां से आ रहे हैं, कौन इस समय भी फ्रॉड कर रहा है, बट स्टिल यहां पर आपको सतर्क होने की काफी ज्यादा जरूरत है। मतलब आप अपनी तरफ से अवेयर रहो, बाकी जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनको कौन ही रोक सकता है, रोक सकता है गवर्नमेंट ही रोक सकती है, बट इस टाइम ऐसा समय नहीं है। बट अभी फिलहाल आप अपना अवेयरनेस रखो कि किस तरीके से हमें चीजों को करना है और कौन सी सही इंफॉर्मेशन है, कौन सी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी चलती है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, उससे भी थोड़ा दूर रहो। फिलहाल हम आते हैं मुद्दे पे जो कि मुझे बात करनी थी। दोस्तों यहाँ पे पीएम केयर फंड में बहुत सारे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस और बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लोगों ने, मतलब इवन जो आम जनता है वो बहुत सारा पैसा दे रही है, फंड में रिलीज कर रही है। तो यहाँ पे एक मतलब फ्रॉड निकल करके आया है कि जो यूपीआई आईडी है, यहाँ पे जो यूपीआई आईडी है वो पीएम केयर्स @ करके जो यूपीआई आईडी में सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ वो देख लेना, वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहीं पे आपको जो भी ट्रांसफर करना है वो वहीं पे करना है, इसके अलावा और कोई भी दूसरी आईडी नहीं है यूपीआई की। तो यहाँ पर जो फ्रॉड है उसकी जो यूपीआई आईडी है वो PM केयर करके है, मतलब सिर्फ और सिर्फ S का डिफरेंस है। तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है कि जो भी आप UPI ID एंटर कर रहे हो उसको बहुत ही ध्यान से देखना, और जो ऑफिशियल जो UPI ID है आप वैसे भी कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हो, बैंक अकाउंट से कर सकते हो, या फिर आप UPI से कर सकते हो, या फिर Paytm से कर सकते हो, Paytm पे तो ऑलरेडी एक ऑप्शन आ चुका है, तो इस तरीके से गूगल पे भी एक ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाकर के या तो ट्रांसफर करो, या फिर अगर आप UPI ID इंसर्ट कर रहे हो तो फिर सही तरीके से देख करके तब इंसर्ट करो ताकि वो जो आपका पैसा है वो सही जगह पे जाए, क्योंकि अगर वो पैसा आपका जो इंटेंशन था वो तो सही जगह पे लगाने का था लेकिन वो पैसा कहीं और चला जाएगा और लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो बंदा पिज्जा खा रहा होगा आपके पैसे के। तो प्लीज जो भी देखिए आप सही से देखिए और मैं सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उस चीज को देख करके तभी आप अपना फंड रिलीज करिए, आपको जो भी करना है सही जगह करिए, मतलब यू नो आपका इंटेंशन कुछ और था और पैसा कहीं और चला जाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना था एंड होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। आपको ये बात तो पता ही चल गई है बट स्टिल जो लोग अपना अमाउंट रिलीज कर रहे हैं पीएम केयर फंड में डाल रहे हैं तो उन तक के एकदम सही चीज और राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मतलब आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।